हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने तमिल में गिनती सिखाया था, जिसको आपने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही पसंद किया। आशा है कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। इस वीडियो में हम आपको जो डेली यूजेज का जो भी हमारा सब्जी का नाम होता है वो हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना देर किए हुए आलू, आलू को यहाँ पे बोलते हैं उरुले, उरुले। आप उरुले बोलेंगे तो काफी है। अगर आपको इसमें कुछ पूरा नाम बोलना है तो उरुले किरंक, तो उरुले काफी हो जाता है इसको बोलने के लिए। प्याज को बोलते हैं वेंगायम, वेंगायम। टमाटर को बोलते हैं तक्काली। लहसुन को बोलते हैं पूंडू। और अदरक को बोलते हैं इंजी, इंजी। इसी प्रकार भिंडी को बोलते हैं वेंडका, वेंडका। और वेंडकाय का पूरा प्रोनाउंसिएशन है वेंडकाय, तो आप वेंडका भी बोल सकते हैं। बैगन को बोलते हैं कत्रिकाय, कत्रिकाय। लौकी को बोलेंगे सुरायकाय, सुरायकाय। तो आप देखेंगे कि सब्जी के नाम में जनरली काय रहता है लास्ट में। इसी प्रकार गोभी को बोलते हैं पूकोसु, पूकोसु। अगर ये कॉलीफ्लावर है, मतलब फूल गोभी है, तो उसको पूकोसु बोलते हैं। और पत्ता गोभी अगर है तो उसको बोलेंगे मुट्टाई कोसु, मुट्टाई कोसु। अब यहां पे डिफरेंस हम आपको समझा देते हैं, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। पू, पू मतलब इसको फूल के रूप में यूज करिए, पूकोसु ये फूल गोभी हुआ। यहां मुट्टाई कोसु पत्ता गोभी, मतलब मुट्टाई मतलब होता है अंडा, तो पत्ता गोभी भी अंडा जैसा दिखता है, तो इसलिए उसको मुट्टाई कोसु बोलते हैं। फिर ये आ गया गाजर। गाजर का कोई इनका अपना नाम नहीं है, तो ये लोग सिर्फ कैरेट बोल देते हैं, जो कि इंग्लिश वर्ड है कैरेट, उसी को बोल देते हैं कैरेट। खीरा को बोलते हैं वेलरी काय, वेलरी काय। तो काय इसमें आ गया, बहुत सारे सब्जी में आपको काय मिलेगा, यह है वेलरी काय। सहजन को बोलेंगे मुरुंगई काय, मुरुंगई, मुरुंगई, फिर काय, मुरुंग काय। करेला को बोलेंगे पागर काय, पागर काय। पता नहीं, हो सकता है पागर का मतलब बीटर होता होगा, जो तीता होता है ना, इसका टेस्ट तीखा होता है, तो उसके लिए पागर लिखते होंगे। तो यह करेला, इसको इंग्लिश में बीटर रूट बोलते हैं, बीटर गार्ड। और नारियल, नारियल को बोलेंगे तेंगाय, तेंगाय हो गया नारियल। फिर शिमला मिर्च है, इसको कुडामिल काय बोलते हैं, शिमला मिर्च को बोलेंगे कुडामिल काय, कुडामिल काय। हरा मटर, हरा मटर या कच्चा मटर, हरा को कच्चा भी बोलते हैं, तो जहां पर भी कच्चा वर्ड यूज होगा वहां पे ये लोग बोलते हैं पच्चाय, पच्चाय या पच्चाय। तो कच्चा हो गया पच्चाय, और मटर का होता है पट्टानी, पट्टानी, इससे हो गया मटर। फिर कच्चा मिर्च मतलब हरा मिर्च, कच्चा या हरा मिर्च। तो मिर्च का होता है मिलकाय, तो इसको लिख देंगे पच्चा मिलकाय, मिलकाय। और धनिया, धनिया को ऐसे बोलते हैं कोतामल्ली, कोतामल्ली। आप सिर्फ मल्ली भी यूज कर सकते हैं, मल्ली भी यूज कर सकते हैं अगर आपको मांगना है तो, कोतामल्ली, मल्ली। तो यहां पे तमिलनाडु में आपको
ये फ्री में मिल जाएगा जहां भी आप सब्जी खरीदेंगे, धनिया ये लोग फ्री में देंगे, उसके साथ में एक कड़ी पत्ता भी देंगे। चलिए अब देखते हैं कच्चा केला को क्या बोलते हैं। कच्चा केला इसको बोलेंगे वाड़े काय, वाड़े काय। इसमें काय क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कच्चा केला है उसको यूज करेंगे सब्जी के रूप में, तो जो भी सब्जी के रूप में यूज होगा वो काय में आ जाएगा। फिर आपको कच्चा आम, तो आम को मांगई बोलते हैं, मांगई, लेकिन यहां पे ये आ जाएगा मांग काय, क्योंकि ये कच्चा आम है। कच्चा आम को मांग काय बोलेंगे और पका हुआ आम को मांबलम भी बोलते हैं, मांबलम। तो आप याद रख सकते हैं कि पका आम को क्या बोलते हैं, मांबलम। पुदीना का कुछ नाम नहीं है, पुदीना ही बोलना है, इसमें भी पुदीना लिखना है। चलिए दूध, दूध को बोलते हैं पाल, दूध का होता है पाल। दही का होता है तैर, तो ऐसे लिख सकते हैं तैर। चावल को क्या लिखेंगे, अरसी। आटा को आटा बोल लीजिए, सब समझ में आ जाएगा सबको। अंडा के लिए आपको बोलना है मुट्टई, मुट्टई। जीरा के लिए जीरगम। चलिए इसमें और भी चीज होगा जो हम भूल गए होंगे, आप हमको बस कमेंट में याद दिलाइए, हम उसका आपको बता देंगे कि उसको क्या बोलते हैं, हम एकदम हिंदी में लिख के बता देंगे। थैंक यू, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सबको सब्जी खरीदने में प्रॉब्लम नहीं आए। वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज बता देता हूं, अगर आपको 250 ग्राम लेना है सब्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक पाव, उसको ये लोग बोलते हैं काल किलो, काल किलो, काल मतलब पाव होता है, पाव। अगर आपको 500 ग्राम लेना है तो ये बोलते हैं आर किलो, आर किलो मतलब आधा किलो। और भी चीज जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।